Hey guys, welcome back again to our town Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर 1, शाहरुख खान की किंग ईद 2026 पर थिएटर्स में दस्तक दे सकती है। दरअसल मेकर्स इसी डेट को टारगेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले साल ईद 20 मार्च को है, ऐसे में फिल्म किंग को 20 मार्च के दिन पर ही रिलीज किया जाएगा। हालांकि अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियली डेट सामने नहीं आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म को सुजोय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं। नंबर 2, सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में सलमान के साथ कई स्टार्स नजर आने वाले हैं। अब इस लिस्ट में शर्मन जोशी का नाम भी जुड़ गया है। फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर ने फिल्म को साइन कर लिया है। नंबर 3, अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी 3 पर अपडेट आई है। जी हाँ, फिल्म डायरेक्टर राज शांडियाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय कुमार उनके साथ काम करना चाहते हैं। मेकर्स ने राज को हेरा फेरी 3 के लिए अप्रोच भी किया, मगर उन्होंने मूवी करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट दमदार नहीं है। नंबर 4, धूम के तीसरे पार्ट में आमिर खान विलन के रोल में नजर आए थे। ऐसे में अब चौथे पार्ट के लिए साउथ एक्टर का नाम सामने आ रहा है जो विलन बनते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि साउथ सुपरस्टार सूर्या इस पार्ट में विलन बनते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि यश राज फिल्म्स के साथ सूर्या की लगभग सारी बातें पूरी हो चुकी है। नंबर 5, रणबीर कपूर आलिया भट्ट की लव एंड वॉर के मेकर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार फिल्म लव एंड वॉर को साल 2026 में रिलीज किया जाना है। 20 मार्च को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। फिल्म को लेकर अभी फैंस को एक साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म में परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, इसी वजह से वो लव एंड वॉर को लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। नंबर 6, अक्षय कुमार की नई फिल्म तिरंगा की डायरेक्शन की कमांड संजय पूरन चौहान ने संभाल ली है। फिल्म की शूटिंग इसी साल के लास्ट में शुरू कर दी जाएगी। अक्षय कुमार के डूबते करियर को अब बॉलीवुड डायरेक्टर संजय पूरन चौहान का साथ मिल गया है। अक्षय कुमार की नई फिल्म तिरंगा को संजय पूरन सिंह डायरेक्ट करेंगे। अक्षय की फिल्म तिरंगा इस साल दिसंबर से फ्लोर पर आ सकती है। नंबर 7, हीरा मंडी फेम बिब्बू जान उर्फ अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने शादी कर ली है। तेलंगाना के वानापर्थी में मौजूद 400 साल पुराने श्री रंगपुर मंदिर में इन्होंने गुपचुप शादी रचाई है जिसमें फैमिली मेंबर्स ही शामिल हुए। दोनों ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है जो कि खूब वायरल हो रही है। नंबर 8, ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में दुबई में हुए सीमा यानी साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स फंक्शन में शामिल हुई थी। इस मौके पर ऐश के साथ उनकी बेटी आराध्या भी मौजूद थी। इस इवेंट से माँ बेटी के कई सारे वीडियोस जमकर वायरल हो रही हैं। नंबर 9, साल 2026 की ईद शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली की बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत के नाम रहने वाली है। भंसाली ने शुक्रवार को अनाउंसमेंट की कि उनकी लव एंड वॉर अब 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी। दिलचस्प बात यह है कि 20 मार्च 2026 को ही शाहरुख खान और सुहाना की किंग को भी रिलीज करने की तैयारी है। नंबर 10, सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों दिल लुमिनाटी नाम से एक कॉन्सर्ट टूर कर रहे हैं। ये टूर दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही है। हाल ही में टूर का नॉर्थ अमेरिकन पार्ट पूरा हुआ। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट टिकट को $64 यानी लगभग 54 लाख और $55,000 यानी $46 लाख तक में बेचे गए हैं। नंबर 11, सिंघम अगेन के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश पर भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर ने चुप्पी तोड़ी है। जी हां, अनीस बज्मी ने मिड डे से बात करते हुए सिंघम अगेन संग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर कहा, मुझे उनसे क्यों बात करनी चाहिए, ये निर्माताओं के बीच की बात है और मैं सिर्फ डायरेक्टर हूं। सिंघम अगेन की टीम दिवाली रिलीज पर जोर दे रही है। बॉक्स ऑफिस क्लैश अच्छा नहीं होता है, मुझे पता है कि हमने भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट 1 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। नंबर 12, बॉलीवुड के स्टार कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बेटी राहा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। इस मौके पर पहली बार राहा ने पेपराजी को देखकर हाय किया। वहीं जैसे ही राहा की दादी नीतू कपूर एयरपोर्ट पर पहुंची, राहा उन्हें देखकर ताली बजाने लगी। स्टार किड राहा के ये क्यूट मोमेंट कैप्चर हो गए और अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। नंबर 13,
सलमान खान हाल ही में गणेश चतुर्थी के खास मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे हैं। एक्टर के साथ उनकी बहन अर्पिता खान भी नजर आईं। एकनाथ शिंदे के घर पर सलमान और अर्पिता ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। सलमान की सीएम एकनाथ शिंदे के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, तबाही मचा रही हैं। नंबर 14 जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का डायरेक्शन कोर तलाश शिव ने किया है। फिल्म 27 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म के रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। एक्टर ने बताया कि वो जानवी की एक्टिंग देख बहुत इम्प्रेस हुए थे। नंबर 15 स्त्री 2 की रिलीज के 32वें दिन यानी 5वें संडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री 2 ने रिलीज के 32वें दिन 7 करोड़ का कारोबार किया है। इसी के साथ स्त्री 2 की 32 दिनों की टोटल कमाई अब 580.53 करोड़ रुपए हो गई है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।